अभी जैसे हनी भाई का लाइक वापस से कमबैक हो रहा है, हनी 3.0, उस पे आपका क्या व्यूज है? क्या क्या बढ़िया भाई, मैं तो हम तो एक्साइटेड है भाई, आई नो हनी भाई ना वापस से पूरा शेप में आ गए, खतरनाक लग रहे भाई, इंस्पायर कर दिया ना। हाँ मेरे को गिल्ट होने लगा था भाई। सही नहीं भाई, बढ़िया कर रहे यार वो तो। देखो यार ये सब तो ओजीज है, तो पुराने बादशाह भैया, हनी भैया, दे नो द गेम, को पता है वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, साउंड चेंज हो रही है क्या है करके, दे नो द गेम यार। मतलब यू नो इस तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, नोएडा, गुड़गांव, तो उस तरफ है वो इम्पैक्ट भाई। मैंने खुद गाने सुने, मैं स्कूल में था, मतलब टचवुड मेरे घर पे पापा MTNL में थे, तो मेरे घर पे इंटरनेट और पीसी तो मेरे घर में बता तब से, जब से यू नो मेरे कज़न ने लिया था, भैया ने, रवि भैया ने, तो वो तो लोग देखने आए थे ऐसे, ये क्या है तो वो बॉल होती थी, माउस बॉल खुलता था यूँ घुमा कर ये करके, तब से मेरे घर पे, तो मैंने तो सारे गाने वाने सुने ये करके, तो यू नो मैंने कि उसका एक इम्पैक्ट था। वो जो साउंड, जब माफिया मुडीर था, जो साउंड था, स्पेशली जब हनी भैया बादशाह भैया साथ में काम करते थे, वो जो साउंड था ना, वो भी अपने टाइम से आगे का था। वो गाने आज भी सुने, गाना दिल्ली के दीवाने, वो सुनो, खोल बोतल, दिल्ली के दीवाने मैंने आपकी किसी इंटरव्यू सुन के वहाँ पे सुना था वापस कि भाई ये वो एक गाना वो किसी ने चोरी करके पिक्चर में डाला था, पिक्चर आई थी हेयर इज फॉलिंग, वो सुनना, उसमें वो बेसिकली नेट पे तो मैंने वो आधा हाफ गाना ही सुना है हमेशा, इवन दिल्ली के दीवाने भी आधा ही मिला मेरे को, आई थिंक आधा ही मिला हुआ। हाँ वो पर वो जो एक मूवी आई थी हेयर इज फॉलिंग, तो उसमें वो गाना डाला हुआ था, तो मुझे याद है उस टाइम पे मैंने बस स्क्रीनशॉट ढूंढना पड़ेगा मुझे, पता नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मुझे आता नहीं था स्क्रीनशॉट लेना उस टाइम पे क्योंकि वो गाना बादशाह भैया और हनी भैया का था, तो बादशाह भैया ने लिखा था, तो वो बादशाह ने पोस्ट डाली थी फेसबुक पे अपने पेज पे, दिस गाइस हैव कॉपीड माय सॉन्ग ये करके, मुझे याद है हेयर इज फॉलिंग मिल जाएगा आपको, उन्होंने बनाया था, उन्होंने दो, एक रिमिक्स वर्जन था, एक गिटार पे था, तो ये करके हो गया, और बगानी नार, हाँ हाँ कोई हिंदी मूवी थी, बगानी नार हो गया, वो क्या सही सैम्पलिंग है, तो ये बोल रहा था वो माफिया मुडीर का जो इम्पैक्ट है ना इंडियन हिप हॉप सीन में, आई थिंक वो रहेगा। इंडिया में जो लोग हिप हॉप पहली बार ढंग से लाए थे शायद यही है। हाँ हाँ साउंड यार, वीडियो गड्ढा जमाने का वीडियो उस टाइम, पैसे इंटरनेशनल मेजर आई पूरा ये करके, ब्राउन रंग का वीडियो, डोप शो यू नो, और जो पंजाब में कर रहे थे खड़ के गिलासी और ये सब तब कर, कितना पहले कर रहे थे भाई। वो साउंड इतना जबरदस्त, उसका रिमिक्स है क्या, टिंग उसका रिमिक्स वर्जन सुनना, वो क्या बेस है। एक गाना है हनी भैया का वो चुप करके उसका रिमिक्स सुनना, उसका रिमिक्स है एल्बम है ये, वो हनी भैया ने किया रिमिक्स, उसमें जो बेस ड्रॉप होता है ना वो सुनना, बोले ये क्या टिंग, उनको मतलब तो वो साउंड में सुनता। उसकी एक वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे पंजाब में, वो बहुत सही वीडियो है, वो रिकॉर्डिंग की वीडियो है। तो उनका यार माफिया मुडीर का है इम्पैक्ट। मैं मतलब क्योंकि मैंने तो सुना था सबको अलग अलग एक साथ ये करके, तो मेरे को बड़ा अलग लगा कि बीट तो बड़ी खतरनाक है भाई, ये जो टक्कर यू नो टक्कर वाली बीट है बाहर के हिप हॉप को, तो मैंने सुना ये तो ज़बरदस्त है यार, ये क्या, ये कौन है ये लोग, सर्च करा भाई बैठे करके, और फिर बाद में कई साल बाद में इंटरव्यू कर रहा हूँ मैंने, मैं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं सुनता था आपके गाने। मैनिफेस्टेशन।